थे, हमने प्रिंट कवाड दे दिया। और ये लाइट, ये लाइट देखिए इसमें ब्लिंकिंग कर रही है और प्रिंट के लिए रेडी हो रहा है। ये हमारा प्रिंटर स्टार्ट हो गया है। ये प्रिंट निकाल दिया है। अब एक प्रिंट निकालने के बाद में ये जो बत्ती है ये ग्लो कर रही है, इसका मतलब ये है कि प्रिंटर में ये दो पेज निकाल दिया या एक पेज निकाल दिया उसके बाद में ये बत्ती ग्लो कर रही है, तो इसमें पेज फंसने का या पेज सेंसर काम नहीं करने का ये संकेत दे रही है। तो ये बत्ती बार बार ग्लो कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसका सेंसर या पेज फंसने का कारण है। तो चलो हम इसके बारे में आपको बताते हैं क्या इजी तरीका है, वो आपको मैं इजी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये जो बैक कवर है, ये बैक कवर को आपको हटाना है। ज़्यादा कोई टूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ये बैक कवर हटा लेना है। बैक कवर के अंदर एक तो नीचे यहाँ पे सेंसर है, एक यहाँ पे सेंसर है, उस सेंसर से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। ये जो सामने वाला सेंसर लगा हुआ है इसका रीज़न है। तो देखिए मैं पास में चिमटी इस पकड़ के आपको दिखाता हूँ। ये जो सेंसर है ये देखिए, ये यहाँ पे रहता है तो पेपर काउंट करने का काम करता है, तो ये अटक के यहाँ पे रह जाता है। ये जो स्प्रिंग है ये देखिए, ये निकली हुई स्प्रिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को पकड़ के और नीचे यहाँ पे देखिए एक हाथ लगा देंगे दूसरे पट्टी की तरफ से, और ये स्प्रिंग है इस स्प्रिंग को नीचे लगा देंगे। ये देखिए ये स्प्रिंग लगा दी। अब ये क्या करेंगे, ये देखिए ये आगे की तरफ नहीं रहेगा, ये स्प्रिंग है ये एकदम सही रूप से आपके पोजीशन में लाके छोड़ देगी। तो ये करने से ये समस्या दूर हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अब इसको कवर बंद कर देते हैं। दोनों हम कवर बंद कर दिए। बंद करने के बाद में देखिए दोस्तों, ये जो लाइट थी ये ब्लिंकिंग करनी बंद कर दिए। ये लाइट बंद ब्लिंकिंग करनी बंद कर दिए। अब प्रिंट भी आ जाएगा, ये देखिए ये प्रिंट आ रहा है, ये प्रिंट अब आ रहा है। अब दूसरा प्रिंट और देंगे तो प्रिंट आएगा। एक बार दो प्रिंट और हम देके आपको दिखा देते हैं, ये लाइट ग्लो नहीं करेगी। दूसरा प्रिंट भी हम दे रहे हैं, दूसरा कमांड दे दिया, प्रिंट प्रिंट के लिए तैयार है, ये प्रिंट आ गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे मैं अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द देख के आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।